हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ के। तो जो कैरेक्टर्स हैं लाइफ के, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जिस कैरेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं, वह कैरेक्टर है होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जीवन के लिए, लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। तो ये जो होम्योस्टैटिस है, ये मिलके बना है दो शब्दों से, जहां पर होम्यो का मतलब होता है होम्यो, होमो और स्टैटिस। तो यहां पर इसका मतलब होता है सिमिलर, और स्टैटिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, ये देखो बच्चों, जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसमें क्या होता है, मौसम बदलता रहता है, जिसके वजह से एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस हैं, उनमें परिवर्तन होता है, यानी कि उनमें चेंजेस होता रहता है। चाहे वो टेम्परेचर को लेके हो, चाहे वो हवाओं को लेके हो, जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें हम महसूस करते हैं, ठीक है। पर जो हमारा इंटरनल बॉडी का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। वो हमेशा सेम क्यों रहनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसके लिए वो इंटरनल बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो बॉडी की जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जो भी नीड एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर उनमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, तो जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है कि बाहरी वातावरण में कितना भी बदलाव होता है, परंतु उसका जो असर है, वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पर नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, वो सेम रहता है, और बाहरी जो परिस्थितियां बदलती हैं, उसमें भी सेम रहता है, स्टैंडिंग स्टिल। वही कंडीशंस रहनी चाहिए, वही कंडीशन रहती है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल प्रोसेस इजीली और उसी रूप से होती रहती है। तो अगर तो बच्चों, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस सूटेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कहने का सिंपल मतलब क्या है कि होम्योस्टेसिस क्या करता है, मेंटेनेंस करता है, मेंटेन करता है कांस्टेंट और फेवरेबल एनवायरनमेंटल कंडीशंस को, ठीक है, जो कि जरूरी है, सूटेबल है फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। यानी कि ये उन कंडीशंस को मेंटेन रखता है, जिन कंडीशन पर बॉडी की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को होना है। उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, उस पीएच को मेंटेन रखता है, ऑस्मोरेगुलरिटी को मेंटेन रखता है, उन सब चीजों को मेंटेन रखता है होम्योस्टेसिस, जिस पर बॉडी की फंक्शनिंग होनी है, बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग होनी है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी कि हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, तो उसका असर हमारे इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट पर नहीं पड़ना चाहिए। उसको मेंटेन करने का काम जो है, वो एक होम्योस्टेटिस प्रोसेस का है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जब बाहरी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आए, कुछ भी हो, परंतु उसका असर हमारे इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट पे नहीं पड़ता है। वो जैसा पहले था, वो वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनिंग है बॉडी की, या जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने हैं हमारी बॉडी को, वो उसी रफ्तार से उसी प्रकार होते रहे, उनमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम्स नहीं आए। इसीलिए ये प्रोसेस होता है होम्योस्टेसिस, टू मेंटेन द कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, जब चेंज हो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन में भी इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन सेम रहेंगे। तो ये थी हमारे होम्योस्टेसिस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है लाइफ के लिए। तो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। अब वो बॉडी का भी हो सकता है, वो सेल का भी हो सकता है, ठीक
ठीक है, उसको मेंटेन करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है बॉडी की फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो, होम्योस्टेसिस। और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही हम आपके लिए रोजाना नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।